ये मुख्यमंत्री एकदम से झूठा, हिंदुस्तान में नंबर एक झूठा, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। वो तो कह रहे हमने दिल्ली को लंदन बना दिया और बहुत सेवा कर रहे हैं लोगों, अपना घर बना लिया जी लंदन, इन मजदूरों का घर नहीं बनाया किसी का, होगा केजरीवाल का भी होगा, वो कच्चे बनाने में जाएंगे और इसका नाश करेंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे इसको, हमने सोच लिया बिल्कुल वोट नहीं देंगे। आप लोग सड़कों पर उतरेंगे और केजरीवाल के खिलाफ उतरेंगे, इसका घराव भी करेंगे, जगह जगह जाएंगे, अपनी बीबी बच्चे बच्चे लाएंगे, नंगा करके इनकी कोठी के आगे बैठाएंगे और स्यापा करेंगे इनका हम। मतलब आर पार, आर पार का सौदा होगा, आर का पार, मजदूर एकता, मजदूर एकता, केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं चंदगिराम अखाड़े और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के नजदीक में, और इस समय यहाँ पे यह 12,000 रिटायर्ड कर्मचारी डीटीसी के अपने पेंशन की मांग को लेके खड़े हैं, जिन्होंने 40 साल 35 साल से ज़्यादा नौकरी की है डीटीसी की और लोगों की सेवा की है, दिल्ली के हर व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया है। मगर विडंबना देखिए, आप एक बार विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, आपकी पेंशन परमानेंट चलेगी जब तक आप जिंदा हैं, और जिसने 40 साल सरकारी नौकरी की है डीटीसी के लिए किया है उसको पेंशन नहीं मिल रही, और आज ये 60-65 साल की उम्र में अपनी पेंशन की मांग को लेके रोड पे इनको उतरना पड़ रहा है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को यह हमेशा ये कहते हैं कि जब सैलरी मिलेगी, जब पेंशन मिलेगी, तब हम आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। अब आप सोचिए, इन बुजुर्गों के लिए वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हम बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, उनको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, मगर तीर्थ यात्रा कैसे हो रही है ये देखिए। यह 12,000 दिल्ली के वो 12,000 कर्मचारी डीटीसी के जो अपनी मांगों को लेके, अपनी पेंशन की मांगों को लेके यहाँ आते हैं, मगर दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ती है, सांसदों की सैलरी बढ़ती है, निगम पार्षदों के जो भत्ते होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है, मगर जो हकीकत में काम करता है दिल्ली के लिए उसकी पेंशन नहीं मिलती। आइए बात कराते हैं इन लोगों से। 12,000 लोग हैं, कारण क्या है कि पेंशन नहीं मिल रही आपको? हाँ, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। अब मैं इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि 1992 के अंदर डीटीसी के अंदर एक पेंशन स्कीम आई थी, वो ऑफिस ऑर्डर हुआ था 16 नंबर, और उसमें क्या था, उसमें ये कहा था कि हम आपको CCS पेंशन देंगे और वो LIC ऑपरेट करेगी, और LIC से कोई एग्रीमेंट नहीं था, LIC का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब था, लोगों को उस पर विश्वास भी नहीं था, और उस इसकी वजह से लोगों ने उसे ऑप्ट आउट कर दिया, उन्होंने कहते हमें पेंशन नहीं चाहिए, LIC की पेंशन नहीं चाहिए। तो ये 12,000 वो लोग हैं, लेकिन उसके हम काफ़ी तभी से हम जो है ना बाद में हम संघर्ष करते रहे, कितने साल हो गए, कोर्ट में गए, कोर्ट में भी चला, अभी भी कोर्ट में चल रहा था, ये हमारी मांग लगातार चल रही है कोर्ट के थ्रू भी और पॉलिटिकली भी, और पहले भी हमारे जो ना पहले मंत्री थे अजय माकन जी, उन्होंने भी जो है ना इस चीज़ को माना था कि LIC की पेंशन जो ना टेक ऑफ नहीं की, LIC पे लोगों का विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि इनको ऑप्शन के फिर दोबारा मौका दिया जाए, तो उन्होंने 2002 में भी दोबारा ऑप्शन इसी ग्राउंड पे इन्होंने जो ना हमें फिर मौका दिया कि भी ये दोबारा ऑप्शन ली जाए, तो लोगों ने ऑप्शन दी 2002 में, लेकिन वो भी आज तक लागू नहीं हुई। दूसरा, अब इस सरकार ने हमारी सुनी, हम जो ना मंत्री जी के पास गए, CM साहब के पास गए, उनको हमने अपना दुख दर्द बताया, और हम 300-400 लोग गए, 2018 की बात है, उन्होंने कमेटी बनाई इस पे, और उस कमेटी का ने रिकमेंड किया कि भी ये पेंशन होनी चाहिए, मंत्री जी ने हमारी बात कमेटी की बात मान के, और 31 अगस्त 2022 के अंदर बोर्ड में रेजोल्यूशन पास किया कि बाकी DTC बोर्ड में, जो कि सबसे ज़्यादा ये पावरफुल बॉडी है डिसीजन मेकिंग में, DTC बोर्ड मोस्ट पावरफुल, जिसके चेयरमैन खुद हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मीन्स गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था कि भी बाकी बचे हुए लोगों को, 12,000 लोगों को भी पेंशन देंगे हम। अब इसको हुए एक जो है ना साल हो गया, और उसका जो बोर्ड का जो एजेंडा है, बोर्ड के एजेंडे के अंदर एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो ये लिखा हुआ है कि LIC की जब पेंशन इन्होंने 2000
1992 के अंदर जब ऑप्शन आई वो LIC की ऑप्शन थी, और वो ऑप्शन जो है ना लोगों का विश्वास नहीं था, और इसीलिए जो ना सरकार को दोबारा ऑप्शन लेनी चाहिए थी इनके बोर्ड के एजेंडे में। आपने DTC का पूरा टाइम दिया है अपनी जॉब का। हाँ मैं हमने सबने किसी ने 35, 36, 40 साल तक भी लिया। हाँ तो मैं नहीं मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये बोर्ड के एजेंडे में और जो एजेंडा जो ना दिल्ली सरकार ने इसने बोर्ड ने पास किया उस एजेंडे में खुद लिखा हुआ है कि भी ये जो है अब LIC पे विश्वास नहीं था और इसलिए जो है ना लोगों ने ऑप्शन नहीं भरी और ये दोबारा इनसे ऑप्शन लेनी चाहिए थी, ये खुद लिखा हुआ। लेकिन उसका लबोलबाब ये है कि जब बोर्ड ने पास कर दिया तो पीछे की सारी बात खत्म हो गई, अब इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अब ये जो ना एक साल हो गया हम धक्के खा रहे हैं कभी कहीं पर कभी कहीं पर, अब हम आंदोलन हमने अब तय किया है आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरने पर बैठेंगे, लेकिन हम जो अपनी मांगे जो है ना वो मनवा के रहेंगे, ये हमने सबने ठान लिया है। अब तो सारे मरने की कगार में, सारे 75 से ऊपर है, 80 ऊपर है। हाँ पर आज आप लोगों को अपनी मांग मनवाने के लिए रोड पे आना पड़ रहा है, रोड पे आना पड़ रहा है, इतने मर रहे हैं रोज आना 15-20 आदमी मर रहे हैं, तो ये जो है ना अभी हम चुप होने वाले, मरना तो वैसे भी है, तो हम जो है ना यहीं पे मरेंगे, अब यहीं पे मरेंगे, वो आंदोलन करते हुए मरेंगे। आपने कितने साल DTC को दिए? ये 35 साल दिए। 35 साल आपने जॉब की है? यस। मगर आज पेंशन नहीं मिली आपको बुढ़ापे में, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल सख्त जरूरत है, बुढ़ापे के अंदर पेंशन नहीं है तो सभी लोगों को जरूरत पड़ती है। मेडिकल का कोई एक्सपेंडिचर कौन बेयर करता है आज के युग में? मेडिकल इतना हार्ड इतना कॉस्टली हो गया है कि किसी आदमी के बस का नहीं, इनके आदमी बस का है मरे, हम तो मर ही जाएंगे भाई साहब जो बीमारी लगेगी। अगर 80 साल गए, 86 ईयर्स ओल्ड, आप लोग अब मरने और जीने की नौबत आ गई है। मुझे ये कहना है इस सरकार के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी कहते हैं अगर एक दिन के लिए भी हम MLA MP बन जाएंगे तो सबको पेंशन मिलेगी, ये वीडियो आपने देखा होगा, ये मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये वही सरकार है जो DTC के बुजुर्ग कर्मचारियों को जो है रोड पर उतारने के लिए तैयार है, और लोग जो है भूखे नंगे जो है यहाँ पे आके बैठे हैं, और इस तरह से जो है हम अब अपनी इस समस्या का समाधान के लिए दिल्ली सरकार से, दिल्ली की DTC या मैनेजमेंट से अनुरोध गुजारिश का है कि इस निकम्मा भ्रष्ट प्रशासन जो है इसका जो है जल्द से जल्द जो है इसका हमारी पेंशन की समस्या का समाधान करे। आज आप लोगों को दिक्कत होती होगी, परिवार में भी बच्चे भी सब बोलते होंगे कि बिल्कुल ऐसी जॉब क्यों करी, जॉब हमारी ये थी, जॉब हमने अच्छी करी है, पब्लिक सेवा के लिए जॉब करी है, 36 साल जॉब करी है, 36 साल नौकरी करने के बाद पेंशन ना मिलना, और इनका कोई विधायक बन जाए या MP बन जाए उसको बनते के साथ ही पेंशन मिल जाना, एक बार बनाए एक पेंशन, दूसरी बार बनेगा दूसरी पेंशन, और यहाँ पर क्या एक बार ही पेंशन नहीं, 40-40 साल हो गएंगे। ये जो है बिल्कुल गलत है, ये पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन हमारा हक है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है हर कर्मचारी को पेंशन देनी चाहिए और ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है। यानी मानते हैं कि नेता बनने पे पेंशन लग जाती है, और आप लोग 40-40 साल सरकार की और पब्लिक की सेवा करते हैं मगर मिलता कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। ये अब आदमी को 1800 रुपये पेंशन मिल रही है, और जो 60 साल वाले हैं उनको ये 2500 रुपये दे रहे हैं, दिल्ली सरकार की जो पेंशन है वो 2500 रुपये है, और हमारे को 1500, 1600, 1700 मिल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी सर, अभी आपने भी पढ़ा होगा पेपर में, मैंने पढ़ा है, ये जितने भी इनके दिल्ली सरकार के MLA जो हैं, इनको ये कॉर्पोरेशन के जो काउंसलर हैं, इनका भत्ता 300 रुपये था, इनका 25,000 कर दिया उन्होंने, वो क्यों किया इन्होंने हमें 25,000? अब बताओ, मेरी उम्र जो है 72 है, मैंने 38.5 साल DTC में नौकरी की है, लेकिन उसके बाद क्या फ़ायदा, पोती आती है दादा मेरे को ये ले दो, पोता आता कहाँ से लाऊँ, पैसे ही नहीं है कहाँ से लाऊँ, भूखे मर रहे हैं बच्चे, सही बताऊँ हमारे पास खाने के लिए नहीं है, कभी किसी से ले लेते हैं, कभी किसी से ले लेते हैं, कभी किसी, कहाँ तक कौन देगा, कोई देता कभी किसी को? कोई किसी को नहीं देता। लेकिन ये केजरीवाल जी बड़े दावे करते थे, अब देखो आपको 45 करोड़ की कोठी बना दी है, हमारे को तो कह रहे हो तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। क्या तीर्थ? मेरी बात सुनो, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, मैं भी गया था तीर्थ यात्रा पे, अयोध्या गया था 3 दिसंबर 2021 को, लेकिन उससे क्या मेरा पेट भर गया क्या?
क्या हुआ उससे जाने को, दर्शन ही कर रहे हैं ना भगवान के दर्शन, वहाँ नहीं करने यहाँ करने, उससे कोई फायदा नहीं है। यानी जब पेट खाली रहेगा दर्शन क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है बहुत, उसका क्या फायदा बताओ, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ जी देखो 150 करोड़ की है हमारी बसें हैं, पर क्या है ड्यूटी से की बसें फ्री चल रही हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, लेडीज हो गई, बुजुर्ग हो गए, सब फ्री चल रहे हैं, पर हमारे लिए पैसा नहीं है। अपनी कोठी बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए 48 करोड़ 50 करोड़ रुपया लगा दिया, पर बुजुर्गों को नहीं पूछते। ये हर जगह इसका यही हाल है, हर काम भी रो रहा है, दुनिया हर जगह रो रही है आजकल। DTC का बेड़ा गर्क करने और यही है, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं DTC का नुकसान हुआ जितना केजरीवाल ने किया है। DTC तो कहते हैं कि सबसे फायदे की ये इस वक्त सरकार में चल रही है जो गवर्नमेंट का ये सिस्टम है, तो फिर फायदा होने के बाद आपको क्यों नहीं मिला उसका फायदा? कर्मचारी को कहाँ, सब सड़क पे खड़े हैं तुम्हारे सामने, 34 साल मैंने नौकरी की है DTC की। अब इन्होंने EPF ने एक आर्डर निकाला है 1/9/2014 के बाद जो रिटायर है उनको पेंशन मिलेगी, तो उससे पहले क्या पाकिस्तानी है वो या बांग्लादेश है? उन्होंने सर्विस की DTC में जो से 10 में 11 में 12 में 13 में रिटायर हुए हैं उनको पेंशन नहीं है, और ये वही बंदे बारह जा रहा है, ना DTC दे रही है ना कोई उनको हाथ पकड़ कर आ रही है। तो कहीं ऐसे ही लगता सर आपको कि जब आपको नई जॉब ऑफर की जाए तब ये बताया जाए, पुराने पे तो लागू ना हो कम से कम, क्योंकि आप लोग जॉब कर रहे थे और आप लोग रिटायरमेंट की कुछ उम्मीद करके बैठे थे, बीच में अगर आपके साथ ऐसा छल होता है, ऐसा कुछ आपके साथ किया जाता है तो ठगा महसूस करते हैं? बिल्कुल ठगा महसूस करते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन जाता रहा है पेंशन के लिए, हर एम्प्लॉय का पैसा कटता रहा है, उसका पैसा उसकी पेंशन नहीं मिल रही हमारे को, तो लाखों रुपए कटे हमारे। 541 रुपए पर साल स्टार्टिंग पे कटा था, फिर 1250 रुपए हुआ। हाँ बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन दे रहे हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन है और हमारी पेंशन किसी की 1000 रुपए, किसी की 1400 रुपया, ये क्यों? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये? वो कहता मेरे बाबा क्या केजरीवाल के राज में आप लोग क्या केजरीवाल के राज में हकीकत में खुश हैं? बिल्कुल नहीं है। एकदम से ये मुख्यमंत्री एकदम से झूठा, हिंदुस्तान में नंबर एक झूठा, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। वो तो कह रहे हैं दिल्ली को लंदन बना दिया और बहुत सेवा कर रहे हैं, अपना घर बना लिया जी लंदन, इन मजदूरों का घर नहीं बनाया किसी का। ये आगे इलेक्शन आ रहा है, इसमें दिखा देंगे कैसे क्या करते हैं जी। यही है सर, ऐसे है कि कुछ साल पहले जब हम DTC में थे, जब हम DTC में थे तो हमें हमारी तरफ जैसे आज ये आदमी कुछ रुके हुए हैं तनख्वाह उसके पे के लिए, हमारी भी पे 3 महीने नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद हम वहाँ पे एजिटेशन किया हेडक्वार्टर पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे DTC के एम्प्लाइज उस टाइम तो रिटायर बहुत कम थे, ये MP थे वहाँ से भरतपुर से राजस्थान थे, और हमारे जो आदमी DTC के DTC में कच्चा बनाने पे वहाँ पे गए थे और वहाँ जाके एडिटेशन किया था, इसको वोट बिल्कुल नहीं देना, और इसको वहाँ से हरवाया था, राजेश पायलट को हराया था इसको कच्चे बनान में, और बाद में ये रोया कि मेरे से गलती हो गई, मेरे भाइयों मेरे को माफ करो, यही और हाँ यही होगा केजरीवाल का भी होगा, वो कच्चे बनान में जाएंगे और इसका नाश करेंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे इसको, हमने सोच लिया बिल्कुल वोट नहीं देंगे। आप लोग सड़कों पर उतरेंगे और केजरीवाल के खिलाफ उतरेंगे, इसका घराव भी करेंगे, जगह जगह जाएंगे, अपनी बीबी बच्चे बच्चे लाएंगे, नंगा करके इनकी कोठी के आगे बैठाएंगे और स्यापा करेंगे इनका हम। मतलब आर पार का सौदा होगा, आर का पार, मजदूर एकता, केजरीवाल मुर्दाबाद करो, पेंशन नहीं मिलती। दोस्तों आप लोग बिल्कुल उत्तेजित है मैं समझता हूँ, लेकिन इस कदर नहीं होना चाहिए किसी को। देखो आप बताइए कि क्या आप लोगों का फैसला क्या है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी मांग करते हैं नहीं मानते तो अगला स्टेप क्या होगा? मर जाएंगे जी, थोड़े दिन की बात है, वो तो चाहते हैं ये कि कुछ कोरोना में मर गए, कुछ ये मरने के करीब खड़े हैं, 2-4 साल में मामला निमट जाएगा, दो थोड़े रह जाएंगे, इनको क्या पेंशन देंगे हम? मतलब 60-65 साल की उम्र में आप लोग अपने लिए पेंशन मांग रहे हैं सरकार से, अपनी वो चीज मांग रहे हैं जो आपने वहाँ जमा कराई है, और अब वो ये सोच रहे हैं कि आप लोग मर जाओ ताकि ये कलेशी कट जाए। हाँ जी कलेशी कट जाए, बस सही बात है, कलेशी कट जाए जी। जनाब साहब 40 साल नौकरी करी, हमारे को पेंशन नहीं, 5 साल MLA रह जाते उनकी पेंशन हो जाती है, 5 साल नहीं, एक दिन भी रह गए जब भी पेंशन हो जाती है। इससे निकम्मी सरकार कोई नहीं देखी आज तक हमने, जितनी ये निकम्मी सरकार आई है। आज आपको पता है कि सैलरी कितनी बढ़ गई है केजरीवाल सरकार के जितने मंत्री नेता हैं? उन्होंने दुगनी कर ली अपनी, दुगनी कर ली, और अब निगम पार्षदों की भी सैलरी बढ़ाने का चल रहा है कि उनके जो हाँ जो 30 रुपए थे वो 300 किए जा रहे हैं। बढ़ा दिया 25,000 रुपए खर्च दिया उनके,
हाँ कर दिया। अपने लिए पैसा है, कोठी बनाने के लिए पैसा है, आप लोग के लिए नहीं। मजदूर के लिए कोई पैसा नहीं है। अपनी कोठी में 55 करोड़ रुपए लगा दिए, अपनी कोठी के अंदर, अपनी कोठी के अंदर 55 करोड़ रुपए लगा दिए। अरे हमारी पेंशन के लिए पैसा नहीं है। अब करना क्या पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए? हम ये क्या करेंगे, मरेंगे और क्या होगा, धरना देंगे। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद 60, 65, 70 साल हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी भावनात्मक जो बातें हैं वो कही कि जो इनके पोते हैं, इनके जो नाती हैं, जब वो घर आते हैं वो अपने दादा से कहते हैं कि हमें कुछ दिलाइए, हमें सामान दिलाइए, हमें चीज दिलाइए। तो ऐसे में इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, पेंशन नहीं है। अब जिसने 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी की हो, और उस समय की हो जिस समय DTC गवर्नमेंट थी, पेंशन मिलती थी, तो आज ये लोग अब मरने या फिर लेंगे, अब क्या करें, क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची कि सरकार से लड़ सके, क्योंकि एज निकल चुकी है। मगर अपनी मांग मांगने के लिए, अपनी मांगों के लिए ये रोड पे आए हैं, और 12,000, ये देखिए DTC के 12,000 रिटायर कर्मचारी हैं जो अब आम आदमी सरकार और केजरीवाल से मांग कर रहे हैं, जो ये कहते हैं हम बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। इनका कहना है कि तीर्थ यात्रा तो बाद में करेंगे, जब पेट में हमारे अन्न होगा, हमारे घर में राशन होगा, तीर्थ यात्रा हम खुद कर लेंगे, हमारी पेंशन दीजिए और हमारे को जो हमारा राइट है वो दीजिए। NBHAT TV दिल्ली।